हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, एजुकेशन से संबंधित वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज करंट अफेयर सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 12 मार्च 2020 करंट अफेयर्स दैट कुड बी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम। सो लेट्स वी स्टार्ट। इंटरनेशनल योगा डे, तो ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इस साल 21 जून को जो योगा डे सेलिब्रेट किया जाएगा उसमें पीएम लीड करेंगे। कहाँ से? लेह से। ये ध्यान रखना है, लेह से लीड करेंगे। उसके बाद अगला जो करंट अफेयर है वो है परिवारा एंड तलावारा ट्राइब्स। कौन से ट्राइब्स? परिवारा एंड तलावारा ट्राइब्स। तो क्यों न्यूज़ में है ये? तो शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2019। तो शेड्यूल ट्राइब्स जो अमेंडमेंट बिल है उसमें इन दोनों को एसटी कैटेगरी में शामिल करने की बात की गई है। कौन सी में? शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी में। और ये दोनों कहाँ की ट्राइब्स है? कर्नाटका की ट्राइब्स है। ठीक है, अगला जो है एसबीआई वेप्स मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट फॉर ऑल सेविंग बैंक अकाउंट। तो मतलब जो न्यूनतम धनराशि रखने पर जो पहले नहीं रखता था उस पर चार्जेस लगाता था एसबीआई सेविंग बैंक अकाउंट पे, अब उसको हटा दिया गया है। बट एसबीआई ने क्या किया है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था कस्टमर को, पहले मिलता था 3.25%, उसको घटाकर 3% कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। अगला जो है वो है सिपरी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में क्या है कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स, कि मतलब मुख्य जो हथियार हैं उसका सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा रहा 2015 से 2019 के बीच में, तो कौन सा रहा? यूएसए रहा। और अगर मैं इसी पीरियड की बात करूं 2015 और 19 की, तो सबसे बड़ा इम्पोर्टर मतलब आयातक कौन रहा? सऊदी अरेबिया रहा। और सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा जो आयातक रहा वो भारत रहा। तो इंडिया का जो इसमें रैंक है वो कौन सा है? सेकेंड रैंक है। ठीक है, और इंडिया के इम्पोर्ट में मतलब सबसे ज़्यादा 56% जो पार्ट है वो रशिया का है, उसके बाद 14% के साथ इसराइल जो है सेकेंड नंबर पर है। अगला जो है कोविड एक्शन प्लेटफार्म। तो कोविड एक्शन प्लेटफार्म का निर्माण किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और किसके साथ मिलकर? WHO के साथ मिलकर। WHO 1948 में इस्टेब्लिश हुआ और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। तो ध्यान रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? एक NGO है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है नेशनल सिक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप। तो सिक्स रेड क्या है? एक स्नूकर चैंपियनशिप है जो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज हुआ, और इसके विनर रहे पंकज आडवाणी। तो कई बार ये क्वेश्चन आया है कि पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है, तो कौन से है? स्नूकर से है। ठीक है, और लास्ट जो करंट अफेयर है वो है व्लादिमीर पुतिन विल बी स्टेड इन पावर आफ्टर हिज करंट टेन्योर विच वुड एंड इन 2024। यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, मैं आपको बता दूँ कि जब व्लादिमीर पुतिन का 2024 में कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो ही विल बी इन पावर फॉर अनदर 12 ईयर्स। ये ध्यान रखना है कि 2024 के बाद 12 सालों तक वो पावर में रहने वाले हैं, मतलब 2036 तक। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के सेशन में। थैंक यू।